फ्रेंड टेक फॉर फन यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास दो डिफरेंट टाइप की बैटरी है, LFP और दूसरा है हमारा LMC। दोस्तों ये दोनों डिफरेंट टाइप का बैटरी है और दोनों का स्ट्रक्चर भी आपको सामने यहाँ दिख रहा होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये छोटा है, ये 3000 mAh का है, ये 6000 mAh का है, लेकिन फिर भी ये जो ये लिथियम आयन बैटरी है और ये लिथियम फेरो फॉस्फेट बैटरी है। दोस्तों ये NMC बैटरी में जो कैथोड यूज होता है वो निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट का होता है, इसलिए इसको NMC बैटरी कहा जाता है। और इस बैटरी में जो कैथोड यूज होता है वो लिथियम आयरन फॉस्फेट यूज होता है, तो इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म है LFP। तो ये दोनों बैटरी अपने अपने दोनों के सिग्निफिकेंट है, लेकिन इन दोनों में से बढ़िया कौन है ये आप आज इस वीडियो में जान सकते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। मेनली बैटरी का बहुत सारा कंपोनेंट होता है और बहुत सारे एंगल होते हैं जिससे बैटरी को कंपेरिजन किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे कुछ सिंपल यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं उसी को कंपेरिजन करके मैं बताऊँगा और आप खुद समझ सकते हो कि कौन सा बैटरी आपके लिए परफेक्ट होगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैं मिनिमम स्टैंडर्ड पैरामीटर को लेते हुए एक टेबल लिया हूँ और टेबल में यहाँ पर हमारा एक तरफ लिथियम आयरन फॉस्फेट NMC बैटरी और इसका कंपेरिजन जो रिमार्क है वहाँ पे मैंने यहाँ लिख के रखा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वोल्टेज के बारे में। तो वोल्टेज अगर आप देखते हैं तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी में 3.2 वोल्ट का स्टैंडर्ड वोल्टेज आता है, ये सारे बैटरी में आता है, चाहे कोई भी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हो बैटरी का वोल्टेज इतना ही रहता है। और वही NMC बैटरी में देख लीजिएगा तो 3.6 से 3.7 तक वोल्टेज रहता है, वो वेरी करता है, लेकिन इसका बैटरी रेंज वोल्टेज जो है इतना ही रहता है। तो इस वोल्टेज रेंज से आप पता कर सकते हो कि जो आपके पास NMC बैटरी है, निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट बैटरी है, उसमें आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलता है। तो उसमें क्या है, अगर आप बैटरी का पैरेलल और सीरीज करते हो तो इसमें आपको प्रॉफिट मिल जाता है। फिर देख लेते हैं यहाँ पर जो सेकेंड और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके चलते ही आज के डेट में NMC बैटरी मार्केट में यूज हो रहा है, वो है वेट एनर्जी डेंसिटी। यहाँ पे अगर आप वेट एनर्जी डेंसिटी का मतलब समझोगे तो यहाँ पे आपको इसका मतलब कि 1 kg में आपको कितना एनर्जी यहाँ पे आपको बैटरी प्रोवाइड कर रही है। तो जनरली यहाँ पे जो इसका यूनिट है वाट आवर पर केजी है, इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 जूल पर केजी आता है। तो 3600 जूल पर केजी, और यहाँ पे अगर आप यहाँ देख लीजिए लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का 90 से 120 वाट आवर पर केजी है, इसको अगर जूल में कन्वर्ट कर लो, मान लो 100 इसका एवरेज निकाल लेते हैं 90 और 120 का, तो 100 मान लेते हैं, तो 100 × 3600, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 360,000 जूल पर केजी, इतना हमारा एनर्जी प्रोवाइड करता है लिथियम आयन। लेकिन निकल जो निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट की बैटरी है वो हमारा LFP इस बैटरी से डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम 150 और 250 का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 200 निकलता है, 200 का अगर हम लोग इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 720,000 हमारा यहाँ पे जूल आ जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि जो हमारा एनर्जी है ये हमें डबल दे रहा है सेम अमाउंट के लिए, या फिर मान लीजिए सेम वॉल्यूम के लिए। तो इसीलिए हमारा जो NMC बैटरी होता है वो लाइटर होता है, हल्का होता है एज कम्पेयर टू लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी। अब बात कर लेते हैं बैटरी का सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो कि है डिस्चार्ज रेट। डिस्चार्ज रेट आपको यहाँ पे डिस्चार्ज और चार्जिंग दोनों ही आपको आपको सी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। सी का मतलब होता है बैटरी कैपेसिटी, तो आपका बैटरी कैपेसिटी से कितना गुना ये ज़्यादा रेट से डिस्चार्ज या चार्ज होता है वही आपको यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। तो आप देख सकते हो जो LFP बैटरी है उसमें 30 गुना बैटरी कैपेसिटी का वो डिस्चार्ज कर सकता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से बेहतर समझते हैं। अगर आपका 1000 mAh का बैटरी है, मतलब 1 ampere hour का बैटरी है, तो आपका जो NMC में आपका डिस्चार्ज रेट होगा वो 2 ampere तक, मतलब इंस्टेंट टाइम के लिए आपका पावर वहाँ पे डिलीवर कर सकता है, करंट डिलीवर कर सकता है। लेकिन वही अगर LFP बैटरी में आ जाते हैं तो वो 30 ampere तक वहाँ पर करंट डिलीवर कर सकता है फॉर इंस्टेंट टाइम। तो ये टाइम लिमिट घट जाता है, बस टाइम का खेला होता है, बाकी ये करंट डिलीवर कर सकता है 30 ampere तक LFP में, और NMC 2 ampere तक ही कर पाएगी। तो इसका बेनिफिट कहाँ हो जाता है, इसका बेनिफिट वहाँ हो जाता है जब
थोड़े समय के लिए आपको हाई पावर चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ LFP बैटरी प्रोवाइड मोर पावर ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए LFP बैटरी बेस्ट है। और चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट आ जाते हैं, क्योंकि आज की दुनिया भाग रही है और भागते हुए के पास समय नहीं रहता है, तो हमारे चार्जिंग रेट पे आ जाता है, चार्जिंग टाइम पे आ जाते हैं, मैक्सिमम चार्ज रेट। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी है, यहाँ पे 10C का रेटिंग दिया हुआ है। अगर आपका बैटरी में 10C का रेटिंग हो तो उसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 एम्पियर आवर की बैटरी है तो आप उसको बस 6 मिनट में ही फुल चार्ज कर सकते हो। वही आप अगर NMC बैटरी में जाते हो तो 0.5 आपका अगर रेटिंग है आपका सी का, तो आप इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 2 घंटे बैटरी को फुल चार्ज करने में लग जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि LFP बैटरी जो है वो फास्टर चार्ज सपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू NMC। हालांकि दोनों ही फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर कंपेरिजन करते हैं तो LFP बैटरी बेटर है NMC बैटरी से चार्जिंग के मामले में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल जो होता है वो LFP बैटरी का अप टू 3000 साइकिल होता है, वही यहाँ पे NMC बैटरी का 1000 साइकिल तक होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई बैटरी परचेस करते हो, LFP बैटरी परचेस करते हो, तो आपका 8 साल से भी ज़्यादा का आपको यहाँ पे बैकअप मिल जाएगा, मतलब 8 साल तक वो बैटरी नहीं ख़राब होगा, आपका चलता रहेगा। वही अगर NMC बैटरी देते तो खरीदते हो तो आपको 3 से 4 साल तक में ही बैटरी को चेंज करना पड़ेगा। तो बैटरी के लाइफ के मामले में भी हमारा यहाँ पे LFP बैटरी NMC को ओवरशूट कर रहा है। चलिए अब देख लेते हैं थर्मल रनअवे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत सुने ही होंगे बहुत सारे बाइक में, बहुत सारे कार में, बहुत सारे ई साइकिल में आपका आग लग जाता है, फायर कैच हो जाता है। तो फायर कैच करने का सबसे मेन कारण यही है, थर्मल रन अवे ऑनसेट या इंक्रीजेज। तो आपका टेम्परेचर जैसे बढ़ता है, तो किस बैटरी में आपका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हो। इसमें अच्छा से मैं इसके लिए आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे ग्राफ ऐड कर दूंगा। इस ग्राफ में भी आप देख सकते हो कि LFP बैटरी का जो टेम्परेचर रेंज है वो हीट देने पर भी यहाँ पे कम रिएक्ट करता है, वही NMC बैटरी आपका बहुत ज़्यादा ओवर हीट होता है। और जनरली देखा गया है कि जितने भी आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी फायर कैच करते हैं वो सारे NMC बैटरी ही होते हैं। LFP बैटरी में ये बर्निंग वाला इशू अभी तक नहीं आया है, क्योंकि NMC बैटरी में जो भी आपका यहाँ पर सब्सटेंस यूज हुआ है, निकल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लिथियम, ये सारे हाईली रिएक्टिव होते हैं। वही अगर कंपेयर किया जाए कि आयरन, तो आयरन जनरली रिएक्ट नहीं करता है, तो इसीलिए लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी सेफ है बहुत ही हद तक एज कम्पेयर टू NMC बैटरी। तो अगर आप सेफ्टी के व्यू से जाते हैं तो आप LFP बैटरी को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो अगर इसके प्राइस को ध्यान में रखा जाए तो ये जो आपका लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी है ये काफ़ी महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू NMC बैटरी। इसलिए मार्केट में आपको जितने भी चीपर इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलते हैं वे सारे NMC बेस्ड होते हैं। वही अगर आप खुद के लिए बनाना चाहते हो तो आप LFP बैटरी भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं एक शब्दों में आप यहाँ पे अगर मैं कंपेरिजन करके बताऊँ तो LFP बैटरी जो है वो आपको सेफ्टी अधिक प्रोवाइड करता है, चार्जिंग मतलब फास्ट चार्जिंग को ज़्यादा सपोर्ट करता है, उसका डिस्चार्ज रेट अधिक होता है, उसका लाइफ साइकिल अधिक होता है, ये सारे मेजर उसके आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएंगे। वही NMC बैटरी का जो है वो आपको लाइटर होता है, मतलब हल्का होता है। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं, आप उसको बल्कि नहीं बनाना चाहते हो, तो NMC बैटरी को भी यूज कर सकते हो। आपको कम स्पेस में आपको यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा आपको चार्जिंग स्पीड में और आपको सेफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको सीखने को मिला। अगर इस वीडियो से आपको सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।